इटारसी विजयवाड़ा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मिली मंजूरी। पिछले बजट में हुई थी घोषणा पीपीपी मोड में देने की तैयारी। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप अब हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चलिए वीडियो पर बात करते हैं। इटारसी और विजयवाड़ा के बीच फ्रंट कॉरिडोर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद मध्य प्रदेश समेत आसपास के राज्यों के किसान, व्यापारी, उद्योगपति समेत अन्य व्यवसायी को फायदा होगा। वे कम से कम अपने माल भाड़ा का परिवहन रेलवे के जरिए कर सकेंगे। फर्स्ट फेस में इस प्रोजेक्ट की डीपीआर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी। रेलवे ने इस कॉरिडोर को 2022-23 तक चालू करने का लक्ष्य रखा है। खास बात यह है कि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जाएगा और मेक इन इंडिया बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मोड पर जाने का फैसला लिया जाएगा। पिछले साल 2021-22 के बजट में इटारसी और विजयवाड़ा के बीच फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। 2022-23 में बजट में दोबारा इटारसी विजयवाड़ा कॉरिडोर की बात की गई, अन्य कॉरिडोर की भी कही बात। रेलवे ने इस कॉरिडोर के अलावा भी अन्य फ्रंट कॉरिडोर की घोषणा की, जिसमें भुसावल से खड़गपुर से दानपुर तक पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर, खड़गपुर से विजयवाड़ा पूर्वी तट तक कॉरिडोर भी बनाने हैं। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।